हाय गाइस, मैं खड़ी हूँ मेरठ के थर्ड माइलस्टोन में और यहाँ से डिनर करने के बाद हम जाने वाले हैं देखने मेरठ का मेला। लेकिन मेला जाने से पहले चीका को आ गई वॉशरूम अर्जेंसी और मेरी मौसी इसी फिराक में है कि चीका को यहीं निपटा दिया जाए, वॉशरूम लेके जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरा भाई ऐसा होने नहीं देगा, सो आगे क्या हुआ ये आप खुद ही देख लो। हाँ, अब रात हो गई या देर? हाँ, करा दो। अबे भैया समझ थोड़ी पाप। अरे मम्मी यार, ये रहा वॉशरूम, सामने रहा वॉशरूम, उसमें नहीं करवा के आ सकती। ये रहा सामने, मैं नहीं, नन्ना कराएगी, नन्ना कराएगी। बैठ के खींच ले, मैं जाऊंगी वॉशरूम में। मत कराओ यार, बिल्कुल। जब वॉशरूम है तो आप भी उल्टी यार काम क्यों करती हो सामने है। अरे वो खाद लग जाएगी, खाद लग जाएगी पेड़ों में। फाइनली हम चीका को वॉशरूम लेके गए और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं देखने मेला। चीका खुद चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए किट्टू को उसे अपने ऊपर टांगना पड़ा और पूरा मेला उसने गोद में चढ़ के ही देखा है। ये मेला देख के तो मुझे बिल्कुल ग्वालियर का मेला याद आ रहा है, क्योंकि बचपन मेरा ग्वालियर में गुजरा और हर साल मैं मेला जाया करती थी अपनी फैमिली के साथ। सो सारे मेले ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े झूले होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है, फुटपाथ पर भी सामान मिलता है और बहुत कुछ होता है। यहाँ पर मैं मेनली आई थी नान खताई लेने, क्योंकि मेरठ की नान खताई बहुत फेमस है और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। फाइनली मैंने एक पैकेट ले लिया नान खताई का और चीका के लिए कुछ टॉयस खरीद के हम लोग घर आ गए। काफ़ी लेट हो गया था और हमें अभी मेरे चैनल के लिए लोगो भी बनाना था, सो मैंने कर लिया है चेंज और यहाँ बैठ के हम बनाएंगे लोगो अपने चैनल के लिए। इस काम में मेरा दूसरा भाई काकू काफ़ी एक्सपर्ट है, तो उसको मैंने बता दिया था कि मुझे कैसा लोगो चाहिए। सो ये वो लोगो है, और अगर आप जीनियस हो तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि ऐसा क्या खास है इस लोगो में जो दूसरे लोगोज में नहीं होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या ये अजीब लग रहा है? ठीक लग रहा है। कौन सा? ये कौन दो सा? है लेफ्ट वाला या राइट वाला? ठीक लग रहा है, बताओ। राइट ठीक लग रहा है। राइट ठीक लग रहा है, अजीब तो नहीं लग रहा ना? इसको अजीब लग रहा है। ठीक लग रहा है, तो पेस्ट करके देखो उस पे बैकग्राउंड पे। काकू की इंजीनियरिंग चल रही है नोएडा में और उसको सुबह 6 बजे निकलना है कॉलेज के लिए। ऑलरेडी रात के 3 बज चुके हैं, किट्टू सो चुका है और आई थिंक अब इसे क्लोज करना पड़ेगा। अभी लोगो कंप्लीट हुआ नहीं है, पर जितना भी है मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अभी ये लोगो काफी प्लेन है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, इमेजेस भी डालनी है। यू नो, जितने भी इंटरेस्टिंग लोगोज होते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स के, उन लोगोज के अंदर कुछ हिडन होता है। सो मैं बस वही देखना चाह रही हूँ कि क्या आप वो हिडन चीज कैच कर पा रहे हो। सुबह होते ही काकू निकल गया अपने कॉलेज के लिए और मैं और चीका यहाँ से निकलने वाले हैं धामपुर बिजनौर। वहाँ पर मेरी एक और मौसी रहती है, तो उसका ब्लॉग भी आप बहुत जल्दी देखने वाले हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।